आज बिहार की 5 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। आपको बता दें कि हम इस वक्त मुजफ्फरपुर के एक मतदान केंद्र पर हैं और बिहार में मुजफ्फरपुर में अब तक 5 सीटों पर सबसे ज्यादा वोटिंग यानी कि 22% के लगभग आज अब तक वोटिंग हो चुकी है। यहां पर कई लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि किस मुद्दे पर वो वोट कर रहे हैं, किस आधार पर वोट कर रहे हैं और क्या कुछ यहाँ पर कुछ महिलाएं दिख रहे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या मुद्दा है आखिर। क्या नाम हुआ आपका? कविता रमन। क्या लग रहा है, किस आधार पर, ये मत बताइएगा कि किसे आप वोट कर रही हैं। जी वो तो बताने की बात नहीं। तो ये बताइएगा कि क्या मुद्दा है इस बार, किस मुद्दे पर वोट कर रही हैं आप? प्रधानमंत्री को जिताना है, बनाना है, नए प्रधानमंत्री बनाना है, उनको वोट देना है। तो प्रधानमंत्री चुनना है, तो मुद्दा क्या है, क्या सोच करके वोट कर रही है? जैसे कि अच्छा विकास हो हर चीज का, विकास के मुद्दे पर। महंगाई की बात होती है तो महंगाई की बात होती है, प्लस माने कि नौकरी के लिए स्टूडेंट लड़का हो या लड़की हो उनको नौकरी के लिए परेशान है लोग, तो अच्छे रहेंगे प्रधानमंत्री तभी तो सबको मिलेगा नौकरी। यहाँ पर सांसद है जो, उनको कैसे देखते हैं आप, क्या लग रहा है कि वो जो है वैसे सांसद चाहिए या कुछ उनसे अच्छे चाहिए या वो अच्छे हैं? नहीं, जो है सो अभी अच्छे हैं। अच्छा, और एक महिला होने के नाते क्या लगता है, महंगाई पर असर है? महंगाई पर तो असर है, ये बात तो है, महंगाई पे असर है। वोट दे दिया आपने? नहीं, अभी नहीं दिया, अब देने जा रहे हैं। आप लोग चाचा यहीं पर के रहने वाले? नहीं, बगल का। अच्छा, वोट कर लिया आज आपने? क्या मुद्दा, क्या सोच करके वोट किया आपने आज, क्या मुद्दा था, क्या सोच करके वोट किया? मुद्दा तो ठीक है सब। क्या ठीक है, क्या मुद्दा क्या रहा, हम ये जानना चाहते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, विकास, क्या मुद्दा था? ये सब चाहिए, महंगाई कम होना चाहिए, काम होना चाहिए, ये सब। आप सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नजरे आलम हुआ। क्या लग रहा है, किस आधार पर वोटिंग किया आपने, कर दिया वोटिंग? जी जी, हमने बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब लेकर के, महंगाई को लेकर के अपने हिसाब से किया। कैसा सांसद चाहते हैं? परिवर्तन तो चाहिए जी, परिवर्तन चाहिए। क्या लग रहा है कि केंद्र में जो सरकार है, अब ये तो उतना हमारा जहाँ वोट है या जो हम प्रतिनिधि है, हमने उनके हिसाब से वोट दिया है, केंद्र में आगे क्या होता है तो बात कीजिए। तो इस बार सबसे ज्यादा बात हो रही है महंगाई वगैरह की, बेरोजगारी की बात हो रही है, सबसे ज्यादा लग रहा है क्या कि कौन सा मुद्दा हावी है? महंगाई ज्यादा है, महंगाई का मुद्दा ज्यादा हावी। आप सर, आपका क्या नाम है? मोहम्मद सईम। क्या लग रहा है आपके अनुसार, क्या लग रहा है मुद्दा इस बार सबसे ज्यादा हावी है, कौन सा मुद्दा इस बार सबसे ज्यादा है? अर्थव्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी और यही सब है। महंगाई और अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है यहाँ पे, तो यही सब मुद्दा था आपके दिमाग में, इन्हीं सबको लेकर के आपने वोटिंग किया, वोट कर दिया आपने? जी। था इस बार क्या सोच करके आपने वोटिंग किया? बीजेपी को, बीजेपी का भी जो भी कार्यकाल जो भी जितना रहा है और सब जगह अभी अपने बिहार में प्रॉपर नहीं रहा है, ठीक है, इस बार बिहार में लाना है, बस इसी वजह से। अच्छा, क्या लग रहा है मुद्दा इस बार क्या हावी रहा है? मुद्दा क्या हावी रहा है, डेवलपमेंट करना, विकास का मुद्दा है, बेरोजगार का मुद्दा है, डेवलपमेंट सब वही हो गया ना आपका, बेरोजगार का जो भी रोजगार मिलेगा डेवलपमेंट होगा, यही सब। चाचा आपका क्या नाम हुआ, कर लिया आपने वोटिंग? हाँ, कर लिया। क्या मुद्दा, क्या सोच करके वोटिंग किया आज आपने? सोच के क्या किया, देश के लिए अभी फिलहाल जो प्रधानमंत्री है दोबारा फिर आवे, इसलिए मैंने वोटिंग किया। अच्छा, महंगाई को मुद्दा नहीं है? महंगाई रहा, महंगाई की बात, कोई भी सरकार आएगी महंगाई कोई भी सरकार कम नहीं कर सकती। अच्छा, कोई भी नहीं करेगी, ये क्या, और देश के हित में अच्छे है, बढ़िया है। हमने वोट दिया। कुछ महिलाएं यहाँ पर वोट करने जा रही हैं, आपसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपको? अरे भाग्य मत, क्या नाम हुआ? रानी देवी। क्या लग रहा है, क्या सोच करके वोटिंग करने जा रही है, किसको करने जा रही है ये नहीं पूछ रहे हैं, क्या सोच करके जा रही है, क्या चल रहा है दिमाग में, कौन सा मुद्दा है? महंगाई है, बेरोजगारी लग रहा है देश में आपको, ये सब बातें हो रही हैं, आप लोग भी खबर देखती होंगी। वैसे बताए महंगाई हो रही है तो सैलरियों तो बढ़ गया है। अच्छा, तो महंगाई पर फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब महंगाई कोई मुद्दा नहीं है? है, मुद्दा है, लेकिन जो अभी आविष्कार हुआ है तो उसका तो महंगाई उसका सामने कुछ नहीं है, अभी जितने अभी के जो चल रहा है अति में तो महंगाई उतना तो नहीं। आपके आपके पैकेट खर्च पर कुछ फर्क पड़ता है, घर में मिलता हुआ कटौती हुआ है? नहीं, सब महंगे हैं।
क्या लग रहा है चाची आपको? सब चीज तो महंगे है, इतना ना महंगा कि क्या है। तो महंगाई मुद्दा बनेगा इस बार वो करेंगे तब ना होगा, कैसे थोड़ी ना होगा। यहाँ के जो सांसद हैं ठीक है, सब ठीक है। मोदी जी ठीक है। अच्छा बिजली का काम कर है। आपको क्या नाम होता है? मेरा नाम अजय कुमार है। क्या मुद्दा रहा है इस बार, वोटिंग किया आपने? वोटिंग कर लिया। अच्छा वोटिंग कर लिया आपने, तो क्या मुद्दा रहा, क्या सोच करके आपने वोट डाला है? मुद्दा है राष्ट्रवाद। अच्छा राष्ट्रवादी सरकार को हम लोग समर्थन करते हैं, जो देश को मजबूत रखे, एक रखे। महंगाई बेरोजगारी तो समस्या है ही, हर सरकार विफल रहती है। तो ये विपक्ष वाले जो आरोप लगाते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा इन सरकार में बढ़ गया है, तो क्या तो लगता है? महंगाई एकदम बढ़ा है, एकदम बढ़ा है। तो ये मुद्दा हावी नहीं है इस बार? अब नया सरकार आएगी जरूर इस पर कंट्रोल करना चाहिए, करेगी। अच्छा कोई भी सरकार आए, चाहे पक्ष का है या विपक्ष का है, इसके बारे में जरूर सोचेगी। बेरोजगारी भी बहुत बड़ा मुद्दा है, सरकार जो इतना दिन से बोल रही है कि 10 साल से, लेकिन कहाँ उतना बेरोजगारी दूर हुआ है। सरकार तो अपना कहने में नाकाम रही है, लेकिन जनता के पास विकल्प भी होना चाहिए ना। मजबूत विपक्ष हो तो उसको वोट दिया जा सकता है, ठीक है, लेकिन विकल्प नहीं रहने के आप मतलब आपके कहने का मतलब कि विकल्प नहीं है आप? हाँ विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं रहने के वजह से तत्कालीन जो अभी का जो सरकार है इसी को हम लोग समर्थन कर रहे हैं। ठीक है। उधर एक आंटी दिख रही है, काफी उम्र की लग रही है। दे दी आंटी वोट? कहाँ दी, दिखाइए। अच्छा ये ऐसे कर। अच्छा काफी उम्र लग रहा है, कितना उम्र हो गया? 80 प्लस। क्या मुद्दा रहा इस बार, क्या सोच करके वोटिंग की आपने? अब क्या करें, ये लोग हैं दम वहीं पर, ये लोग कुछ बोलिए, कुछ कहिए। मुद्दा क्या है इस बार, क्या मुद्दा रहा? खबर पर देखते होंगे, घर में रहती होंगी। ये लोग को जो अच्छा लगता है उस पर दिए है। कौन अच्छा लगता है बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं है। आप लोग तो अपना कमल छाप कर दिए। महंगाई मुद्दा है आंटी, महंगाई मुद्दा है इस बार, महंगाई बढ़ा है, सब लोग हल्ला कर रहे हैं महंगाई है। बहुतों दिन से सब होता है, कोई अच्छी नहीं है, सब महत्व नहीं है। हम लोग वहाँ जारी जो है, आपके हिसाब से महंगाई मुद्दा नहीं है? कुछ मुद्दा क्या रहे, हम लोग खा पी रहे हैं, जी रहे हैं। बहुत सारे लोगों को कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई, खाने में तकलीफ हो रही है। ये सब कुछ नहीं है, ये सब कहने के लिए बहुत लोग कहता है ये बढ़ गया है, वो बढ़ गया है, इससे हो गया है, उससे हो गया है। इससे पहले महंगाई नया बात है, ये सब कुछ नहीं। सब दिन तक सुनिएगा महंगाई ये है, सस्ताइए है। हम तो 80 बरस। आपने तो वो सरकार भी देखी होगी, इससे पहले वाली सरकार सब देखे, समय भी तो बढ़ रहा है उसके साथ, सब भी देखते हैं, सब में ही सब तरह तरह का बवंडर। तो आप तक क्या लगता है कि ये जो सरकार है उसे ठीक लग रहा है? हमको तो ठीक ही है। आंटी से पहले तो आप बोल दे रहे हैं, इसी वजह से आंटी ना ना हम कह रहे हैं, कह रहे हैं, खोल के कहिए दिए कि हम कमल। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, हम ये नहीं पूछ रहे हैं कमल। ठीक है, इधर कुछ लोग हैं आ रहे, वोटिंग करने जा रही हैं। क्या मुद्दा है इस बार, क्या मुद्दा है, क्या सोच करके वोट करने जा रही हैं? क्या सोच के वोट करने जा रही है? क्या लग रहा है आपको कि देश में जो बात हो रही है महंगाई की, बेरोजगारी की, ये सब मुद्दा है आपके दिमाग में, क्या चल रहा है? ये बेरोजगारी महंगाई तो मुद्दा तो है बस। तो क्या लग रहा है कि इस बार आपके हिसाब से कौन मुद्दा सबसे ज्यादा हावी है? सबसे ज्यादा हावी तो यही है बेरोजगारी, जो आजकल के युवाओं हैं उनको मतलब बेरोजगारी की वजह से बहुत। कैसा सांसद देखते हैं आप, कैसा पसंद करते हैं कि ऐसा सांसद हो हमारे यहाँ पर जो करंट में है? इस बार तो आपके यहाँ से तो पलट गए हैं, सिर्फ पार्टी चेंज हो गई है, चेहरा वही है। आपको क्या लग रहा है, परिवर्तन होगा कुछ? चलिए कोई बात नहीं, बोल नहीं पा रहे भाई। तो मुजफ्फरपुर के इस मतदान केंद्र पर हमने लोगों से बातचीत की कि वो कैसा सांसद चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं, किस आधार पर वो वोट कर रहे हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर से अजय निषाद एक तरफ हैं जो महागठबंधन की तरफ से तो हैं, वहीं दूसरी तरफ राजभूषण चौधरी जो बीजेपी की तरफ से हैं। ये दोनों पहले
एक दूसरे पार्टी की तरफ से, यानी कि अजय निषाद पहले बीजेपी की तरफ से थे और राजभूषण चौधरी महागठबंधन की तरफ से थे, वीआईपी की यानी कि वीआईपी पार्टी की तरफ से वो उम्मीदवार थे पिछली बार। हालांकि इस बार परिवर्तन हो गया है, चेहरे वही हैं, पार्टी सिर्फ बदल गई है। आपने लोगों से बातचीत सुनी है, आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।